एसपी सिटी सोनम कुमार ने आईटीएमएस कार्यालय का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि उन्होंने इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां नगर क्षेत्र के कई चौराहों पर कैमरे लगाए गए हैं। निरीक्षण के दौरान एसपी ट्रैफिक मौजूद मिली। उन्होंने बताया कि सोमवार को जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसकी कई जगहों से शिकायत प्राप्त हुई थी तथा ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सिविल पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है, जिसकी ड्यूटी सीसीटीवी के माध्यम से चेक किया गया तथा जो लोग ड्यूटी पर अनुपस्थित पाए गए उनकी वार की संस्तुति तथा गैरहाजिरी लगाई गई। उन्होंने कहा, मंगलवार को जाम नहीं है और स्थिति सामान्य है, क्योंकि ट्रैफिक डायवर्जन टीम लगाई गई है तथा सभी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी को चेक किया जा रहा है कि कौन ड्यूटी पर है और कौन नहीं है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा, गोलघर में बने मल्टी लेवल पार्किंग में ही वाहन खड़ा करें, नहीं तो चालान की कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह, टीएसआई हरिद्वार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक सोनम कुमार ने कहा, कर रहा है इसका जो कौन तो विभाग बनवा रहा है कौन पीडब्ल्यूडी की कंपनी, इसकी छात्र शक्ति कंपनी का ऑफिस कहाँ है? ये सर बीजेपी विधायक की बात ठीक है, इसको कौन विभाग ऐसे तो इतना लंबा वार्ता करते हो। हेलो गणेश राव पे लगा दे बात करें, यहां बुला लीजिए सब दिख जाएगा। उससे बात करो ना, इसके अंदर ये बुरा आपस में बंद लोगे तो पकड़ पाएंगे तुम्हारा खिलाफ। तमाशा नहीं चलेगा कि तुम तमाशा करो, काम कर रहा है यहां पे। हेलो कहीं वो बताएगा, एक आदमी बताइए, दो आप ये साहब आप सुन सकते हैं? सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे तो हाथ खड़ा करें। ये कचहरी चौराहे पे हमने चलान हो रहा है तो हो ही रहा है। दया शंकर यादव मौजूद है वहाँ पे उप निरीक्षक, सबको इकट्ठा कर लें भैया। हाँ सर, एसआई साहब एसपी सिटी बोल रहा हूँ, इधर देखिए, आप सबको इकट्ठा कर लें, जितने फोर्स वहाँ पे है सिविल पुलिस सबको इकट्ठा करें। पर लगा दूंगा मैं आज, जो नहीं पहुंचेगा मैं सबको, मेरी स्क्वाड भी घूम रही है ड्यूटी चेक कर रही है, सब फिर फ्राइडे परेड में उपलब्ध रहे वहाँ पे 6:30 बजे। एसआई साहब ये ट्रैफिक के हैं या सिविल पुलिस भी है इसमें? अगर सिविल पुलिस वहाँ है तो हाथ खड़ा करें जरा। बाकी मैं सर बैठ के ले लूँगा यार। कचहरी चौराहे पे जो चार लोगों की ड्यूटी लगी है नहीं सर, काफी नगर निगम से ड्यूटी चक्कर
कार्यालय का आपके द्वारा निरीक्षण किया गया है, क्या देखिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है ITMS, इसमें नगर क्षेत्र में कई जगह कैमरे लगाए गए हैं, उसी का निरीक्षण किया गया और जो नगर क्षेत्र में कल जाम की काफ़ी स्थिति थी उसे शिकायतें मिली थी उसी परिदृश्य में यहाँ पर चेकिंग किया गया है। यहाँ पर SP ट्रैफिक मौजूद मिले और साथ में बाकी कर्मचारी भी कार्य कर रहे थे। हमने आज नगर क्षेत्र में अलग अलग चौराहों पर सिविल पुलिस की भी ड्यूटी लगाई लिखा पड़ी में, उन सबको चेक किया गया। जो लोग ड्यूटी पर नहीं मिल रहे हैं उनके लिए OR की संस्तुति कर रहे हैं, उनके स्पष्टीकरण लिया जा रहा है, पर अभी सब लोग ड्यूटी पर आ गए हैं और आज उस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने ट्रैफिक डाइवर्जन स्कीम भी लागू की है। इसके अतिरिक्त जो है हर जगह सिविल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी भी लगी है और यहाँ से हम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर भी कर रहे हैं कि कौन ड्यूटी पे है, कौन कार्य कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। सर, जो रोड के किनारे गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं उसके लिए क्या? देखिए, रोड के किनारे जो भी गाड़ी खड़ी कर दे रहे हैं ये इसके लिए मल्टी लेवल पार्किंग बनाए गए हैं नगर क्षेत्र में, उसका प्रयोग करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं उसको चालान की कार्रवाई की जाएगी। पहले तो उन्हें समझाया जा रहा है, तो अगर कोई बात नहीं मानता है तो फिर उसे चालान की कार्रवाई करेंगे।